में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि पी यू में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुके हैं शुरू करते हैं सबसे पहले गिवन क्या है है हमारे पास पास कि अगर आर एक रिंग विद यूनिटी सच दैट ये कंडीशन आपके होल्ड कर रही है एक्स वाई का होल इक्वल टू स्क्सर वाई स्क्र तो शो करने की आर कॉम्पिटेटिव है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आर एक रिंग है विद यूनिटी मतलब कि इसमें आपके पास 1 बिलोंग कर रहे हैं R से 1 किससे बिलोंग कर रहे हैं R से हमारा टास्क क्या है हमें शो करने कि जो R है वो आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है कम्यूटेटिव रिंग है मतलब कि हमें अल्टीमेटली ये शो करने कि xy किसके इक्वल आ जाएगा yx के इक्वल सॉल्यूशन पार्ट कंसीडर करते हैं सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास x और y दो एलिमेंट्स हैं जो R से बिलोंग करते हैं ठीक है क्योंकि कर रहे है आपके पास तो एक्स कोमा वाई प्लस वन बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी तो एक्स y वाई प्लस वन बिलोंग करेगा आर से क्योंकि तो तो हमें गिवन क्या आपके पास कि एक्स इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वे इक्वल टू

नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ओपन करेंगे इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा एक्सक्वेयर वाई स्क्वेर प्लस एक्स स्क्स एक्स स्क् टू एक्सक्र वाई ठीक है और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले एक्स वाई को एक्स वाई से फिर एक्स वाई को एक्स से इसको इससे तो हमारे पास क्या मिलेगा एक्स स्क्सर प्लस एक्स वाई एक्स ठीक है फिर ये बनेगा आपके पास एक्स प्लस ये बनेगा एक्सक्स एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्वेर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्स टू एक्स स्क्न हमारे पास यहां से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म एक्स से कैंसिल हो जाएगी फाइनली हमारे पास क्या बचेगा कि एक्स वाई एक्स की वैल्यू साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिफरेंस हो जाएगा इसका तो ये बनेगा हमारे पास तो एक्स वाई एक्स किस के आ गया एक्स इक्वल तो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर वन इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया ठीक है नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है इसमें हम एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं एक्स को एक्स प्लस वन से ठीक है इन इक्वेशन नंबर वन इन इक्वेशन नंबर वन तो आपके पास क्या मिलेगा एक्स प्लस वन इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर इंटू वाई तो ये आपके पास बनेगा एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू ये बनेगा एक्स स्क्वे प्लस वन प्लस टू एक्स इन टू वाई जब आप एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर ओपन करोगे तो ये वाली टर्म आएगी देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा एक्स वाई एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये बनेगा एक्सक्वियर वाई प्लस वाई प्लस टू एक्स वाई ठीक है अब एक्सक्वियर वाई किसके पर्टिकुलरली एक्स वाई एक्स ठीक है बाकी सब टर्म्स एज इट इज है प्लस वाई प्लस टू एक्स वाई साइड है एक्स वाई एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई ठीक है अब यहां से ये वाली कैंसिल आउट हो रही है और y y से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचेगा आ, आपने x y को राइट हैंड साइड में ले गए तो आपके पास बचेगा y x इक्वल टू एक्स वाई एंड जो आपके पास रिंग R है वो कॉम्यूटेटिव है रिंग R क्या है कॉम्यूटेटिव फर्दर आपके पास एक और चीज है कि ये जो रिजल्ट है ये फेल हो जाएगा अगर आपके पास रिंग में यूनिटी नहीं होगी ठीक है तो कन्वर्स पार्ट में मतलब कि इसमें क्या है कि इफ द गिवन रिंग आर डज नॉट हैव यूनिटी आर डज नॉट हैव हैव यूनिटी यूनिटी देन देन द रिजल्ट फेल देन रिजल्ट फेल सो इस केस में हम देखते हैं कैसे करेंगे मान लेते हैं कि हम एक नॉन कॉम्पिटेटिव रिंग कंसिडर करते हैं आर हमने कंसीडर की आर की जो वैल्यूज है जो एलिमेंट्स है वो आपके पास मैट्रिक है उसमें ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है आर से बिलोंग कर रहा है ठीक है अब हमने इसमें से दो एलिमेंट्स ले लिए ए एलिमेंट है आपके पास जीरो जीरो ए बी और बी एलिमेंट है आपके पास जीरो जीरो सी डी ये दोनों एलिमेंट्स आर से बिलोंग कर रहे हैं ठीक है अब ए बी का स्क्वेयर हम निकालेंगे ए बी का स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर B square. ये ये हो रही है है तो तो आपके 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 पास 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 क्या बनेगा और जो इसमें तो में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो है ठीक है कि आपके पास ये रिंग दी होगी आपको शो करना है कि इस पर्टिकुलर रिंग के लिए आपके पास यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता